अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल बीएस नर्सिंग फॉर ऑल। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑस्पी एंड ऑस्की इज़ द बोन्स। हमारे पास आता है स्केलेटल सिस्टम के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन्स हैं वो पढ़ेंगे और उनके पार्ट्स पढ़ेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमारे पास आता है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस बोन से बिकॉज हमारे पास आता है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अपर एंड लोअर लिम्स के बोन्स। तो हमारे पास आता है अपर लिम्स से स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस से। हमारे पास आता है ये दी गई हमारे पास ह्यूमरस बोन है, इसके कुछ पार्ट्स हैं सो हम इसे अब एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास आता है सबसे पहले आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस में हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है अटैचमेंट, जो कि हमारे पास इसकी अटैचमेंट होती है हमारे अपर गिर्डल्स के साथ। तो हमारे पास आता है गैम, सबसे पहले हमारे पास आता है हेड जो है ये हमारे पास जॉइंट बनाता है विद ग्लेनॉइड फोस ऑफ स्कैपुला के साथ। तो हमारे पास आता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे पास आता है कि ह्यूमरस जो है वो किसके साथ जॉइंट बनाता है, तो वो ग्लेनॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ बनाता है, फोसा ऑफ स्कैपुला। ओके, ग्लेनॉइड फोसा ऑफ स्कैपुला के साथ जॉइंट बनाता है ह्यूमरस। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे सेकंड पे है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक हम इस पोर्शन को क्यों कहते हैं? हमारे पास आता है इस पोर्शन को हम सर्जिकल नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आता है कि ये ज़्यादा जो है हमारे पास इसकी टेंडेंसी होती है कि हमारे पास जो बोन फ्रैक्चर होती है वो सर्जिकल नेक पे पोर्शन पे होती है, यानी कि इस पोर्शन पे बोन जो है ज़्यादातर इसका फ्रैक्चर सर्जिकल नेक पोर्शन पे होता है। फिर हमारे पास आता है ग्रेटर ट्यूबर्सल। ग्रेटर ट्यूबर्सल वाला जो पोर्शन है इसमें हमारे पास आता है कि ग्रेटर ट्यूबर्सल हमारे पास जो प्रोसेस है यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे पास मसल्स हैं उनकी अटैचमेंट होती है, जो लार्जेस्ट मसल्स होते हैं हमारे पास आर्म्स के, तो हमारे पास आता है कि इसकी अटैचमेंट हमारे पास ग्रेटर ट्यूबर्सल पोर्शन पे होती है, यानी कि जो हमारे पास लार्ज मसल्स आते हैं सुप्रास्पिनाइटिस एंड इंफ्रास्पिनाइटिस। इसके बाद फिर हमारे पास आता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो है ये इसके नाम से हमें पता चलता है डेल्टॉइड मसल्स जो होते हैं उनकी अटैचमेंट होती है यहाँ पे। डेल्टॉइड मसल्स जो होते हैं हमारे पास जो मसल्स होते हैं इसमें हमारे पास ये ट्राइंगुलर मसल्स होते हैं, तो इसके ट्राइंगुलर यानी कि इसके ट्राइंगुलर हैं तो इसकी हमारे पास थ्री अटैचमेंट साइड्स होती हैं, थ्री अटैचमेंट साइड्स होती हैं। एक अटैचमेंट साइड हमारे पास ह्यूमरस पे होगी, एक हमारे पास क्लाविकल पे होती है और एक स्कैपुला पे होती है। ओके, फिर हमारे पास आता है ओलिक्रोनन प्रोसेस, यानी कि ओलिक्रोनन फोसा। ओलिक्रोनन फोसा को अब हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास आता है कि ये हमारे पास एक डीप ट्राइंगुलर एरिया है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक डीप ट्राइंगुलर एरिया होता है जो कि हमारे पास स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे अल्ला जो है अल्ला जो हमारे पास इसके बाद बोन आती है अल्ला एंड रेडियस, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है वो अल्ला का यहाँ पे अटैच होता है, और मतलब जब एक्सटेंशन होती है अल्ला की तो ये उसे स्पेस प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन के दौरान। ट्रायंगुलर पोर्शन है, स्पेस है जो कि यहाँ पे अल्ला के साथ जब अल्ला की एक्सटेंशन होती है यानी कि एंगल जो है वो हमारे पास इंक्रीज होता है, एक्सटेंड होता है हैंड, यानी कि अब ये हमारे पास हैंड है ये इस तरह है तो ये हमारे पास फ्लेक्स है, और जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा तो ये हमारे पास एक्सटेंड हो गया है। ओके, ये ऐसे है तो फ्लेक्स है, ये एक्सटेंड हो गया है, तो एक्सटेंशन के दौरान ये अल्लाह को यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, इसके फिर बाद हमारे पास आता है बॉडी। बॉडी तो हमारे पास बस वही बोन का जो मेन हिस्सा है वही हो गया। फिर हमारे पास आता है मीडियल एपिकोंडाइल और लैटरल एपिकोंडाइल। तो इसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है? मीडियल एपिकोंडाइल जो है इसे हम कहते हैं गोल्फर्स एल्बो। ओके,
और लैटरल एपिकोंडाइल को हम कहते हैं टेनिस एल्बो। ओके, हमारे पास आता है कि लैटरल और मीडियल एपिकोंडाइल के फंक्शन में क्या डिफरेंस है, कि हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल जो है वो हमारे पास फोर आर्म की फ्लेक्सेशन में हेल्प करता है, ये हमारे पास फ्लेक्स करता है फोर आर्म को, जबकि टेनिस एल्बो लैटरल एपिकोंडाइल जो है ये हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म में हेल्प करता है। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस। ये हमारे पास हो गया ह्यूमरस, होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे इसके पार्ट्स की तरफ जो रेडियस अल्ना आते हैं। अब हमारे पास आता है रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसे डिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास आता है, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट में देखें शुरू में, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, इसे हम क्या कहेंगे। हमारे पास आते हैं रेडियल नॉट्स ऑफ अल्ना जो है ये हमारे पास एक कट सा होता है, वी शेप्ड का एक कट होता है। यहाँ पे आप देखें तो ये देखें, ये वी शेप का कट होता है, ठीक है, ये वी शेप का कट होता है। और ये हमारे पास ज़्यादातर जो बोन है उसके एज साइड पे होता है या सरफेस पे भी हो सकता है। फिर हमारे पास आता है, यहाँ पे हमारे पास है ओलिग्रानन प्रोसेस। ओलिग्रानन प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास वो प्रोसेस होता है अल्ना का, जो कि एल्बो जॉइंट के पीछे की तरफ आता है, बिहाइंड द एल्बो जॉइंट होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर ह्यूमरस बोन आ रही है तो यहाँ पे जो हमारे पास एल्बो का जॉइंट बन रहा है, तो ओलिग्रानन प्रोसेस जो है वो इसके बैक साइड पे आएगा, इसके बिहाइंड आता है, ठीक है, एल्बो जॉइंट के बिहाइंड आता है। फिर हमारे पास आता है ट्रॉक्लियर नॉच। अब ट्रॉक्लियर नॉच हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल के साथ, मतलब मीडियल इपिकॉन्डाइल जो ह्यूमरस का उसके साथ होता है, और उसके साथ इस अल्ना की आर्टिकुलेशन होती है यहाँ पे। यानी कि हमारा जो अल्ना है वो जहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, एल्बो जॉइंट जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे ट्रॉक्लियर नॉट जो है इसका आर्टिकुलेशन विद मीडियल इपिकॉन्डाइल के साथ होता है ह्यूमरस के। यानी कि ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक मीडियल इपिकॉन्डाइल था और यहाँ पे हमारे पास एक लेटरल इपिकॉन्डाइल, तो इसका जो जॉइंट आएगा वो मीडियल इपिकॉन्डाइल के साथ आएगा। फिर हमारे पास आता है कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास ट्रॉक्लियर नॉट जो है अन्ना का उसका पार्ट बनाता है। यानी कि हमारे पास ट्रॉक्लियर नॉट था, ये ट्रॉक्लियर नॉट है, तो इसकी जो है इसका एक बस पार्ट बनाता है हमारे पास। इसके मैं आगे डिस्क्राइब करती हूँ, पहले हम ये सारे पार्ट कर लें, लास्ट में आप इसे ब्रीफली थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये हमारे पास हो गया ओलिग्रानन प्रोसेस हो गया, ट्रॉक्लियर नॉट्स हो गया, कोरोनॉइड प्रोसेस हो गया, और हेड ऑफ रेडियस हमारे पास आता है, तो दिस इज़ द हेड पार्ट ऑफ द रेडियस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास ह्यूमरस जो है वो जॉइंट बनाता किसके साथ है, किस बोन के साथ, या तो वो रेडियस के साथ बनाएगा या अल्ना के साथ। लेकिन हमारे पास आता है कि वही क्वेश्चन है कि यार हमारे पास आप पूछ सकते हैं कि ह्यूमरस जो है वो किस पार्ट के साथ आर्टिकुलेशन बनाता है, जॉइंट बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये अल्ना के साथ जॉइंट बनाता है, बिकॉज यहाँ पे जो रेडियस है वो अल्ना के साथ यहाँ पे हमारे पास जॉइंट बनाएगा। यहाँ पे ये वी शेप साइड पे हमारे पास इसके साथ रेडियस मिला होता है, जॉइंट यहाँ पे आर्टिकुलेशन होती है इन दोनों के दरमियान, और जो ह्यूमरस होता है उसकी आर्टिकुलेशन सिर्फ अल्ना के साथ होती है, ओके, नॉट विद रेडियस। फिर हमारे पास आता है रेडियस और अल्ना। नीचे अगर हम देखें हमारे पास आता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या है, ये हमारे पास सिलेंडर पॉइंटेड प्रोसेस होता है अल्ना पे, ठीक है, सिलेंडर यानी ये स्टाइल को रिसेंबल करता है, सिलेंडर शेप का होता है, ये पॉइंटेड पोर्शन है यहाँ पे, ये हमारे पास सिलेंडर शेप प्रोसेस होता है अल्ना पे, ओके। और अब मैं आपको ये कोरोनॉइड वाला बताती हूँ।
पास आता है ब्रीफ डायग्राम है इसकी कि हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस है. ओके, ये हमारे पास ओलिक्रेनाइड था जो कि एल्बो जॉइंट के पीछे आता है हमारे पास, और ये हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस हो गया जो कि हमारे पास ट्रॉक्लियर नॉट्स का एक पार्ट बनाता है. तो ये हमारे पास आता है कि इस प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम कोरोनॉइड प्रोसेस. ह्यूमरस जो है इसका एक यहाँ पे बोन आता है इस तरह, तो ये हमारे पास इस तरह का जॉइंट बनाता है. ये हमारे पास जो ओलिक्रेनाइड प्रोसेस है बिहाइंड आ गया एल्बो जॉइंट की, और ये इसके साथ एल्बो जॉइंट बना लेगा. ओके, अल्ना के साथ. और ये रेडियस जो है ये अल्ना के साथ जॉइंट बनाता है. होप सो आपको जो अब तक हमने पढ़ा वो समझ आ रहा होगा. इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं. हमारे पास जो दूसरी डायग्राम थी हमने जैसे पढ़ा था ह्यूमरस का, वो मीडियल इपिकॉन्डाइल और लैटरल इपिकॉन्डाइल, टेनिस एल्बो जिसे और गोल्फर एल्बो कहते हैं, तो ये हमारे पास उसका डायग्राम है जो कि आप बिल्कुल ब्रीफली देख सकते हैं. क्या हमारे पास आता है लैटरल इपिकॉन्डाइल, मीडियल इपिकॉन्डाइल जो है वो हमारे पास फ्लेक्सेशन में हेल्प करता है, और लैटरल इपिकॉन्डाइल जो है ये हमारे पास एक्सटेंशन में हेल्प करता है. अब हम पढ़ते हैं कार्पल बोन्स. हमारे पास आता है कार्पल बोन्स जो होते हैं, या हमारे पास इसे हम रिस्ट बोन्स भी कहते हैं, जो कि हमारे पास अपर जो हमारे पास अपर लिम्स हैं उसमें 8 होते हैं. हमारे पास आता है कार्पल बोन्स 8 होते हैं, और इनके नेम्स जो होते हैं ये हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं आसानी से. सो इसका फार्मूला भी हमारे पास है. तो हमारे पास आता है कि इसके लिए हमने जो फार्मूला बनाया है बहुत ज़्यादा आसान है, आपको याद करना बहुत ईजी होगा. हमारे पास आता है स्टॉप लैटिंग दोज पीपल हु टच द कैडवर्स हैंड. बस आपको सिर्फ इतना याद करना है और आपको 8 के 8 बोन के नाम याद हो गए. इसमें अब हमारे पास आते हैं कि कुछ डिस्टल बोन्स होती हैं, कुछ प्रॉक्सिमल बोन्स होती हैं. प्रॉक्सिमल हम कहते हैं जो हमारे ट्रंक के करीब होते हैं, यानी हमारे हैंड के करीब होंगे, और डिस्टल बोन्स हम कहते हैं जो कि हमारे ट्रंक से थोड़े दूर होंगे, उसे हम डिस्टल बोन्स कहते हैं. तो इसमें हमारे पास फॉर्मूले में ये भी बता दिया गया है कि डिस्टल बोन्स कौन सी हैं, प्रॉक्सिमल बोन्स कौन सी हैं. हमारे पास आता है स्टॉप लैटिंग दोज पीपल, यहाँ तक हमारे पास प्रॉक्सिमल बोन्स आती हैं. हु टच द कैडवर हैंड्स, दीज आर द हमारे पास डिस्टल बोन्स आती हैं. ओके, हमारे पास आता है कि अब हमने इस बोन्स के नाम कैसे मेमोराइज करने. हमारे पास आता है अगर हम डिस्टल प्रॉक्सिमल पार्ट्स को देखें, प्रॉक्सिमल लाइन को, हमारे पास है प्रॉक्सिमल पार्ट. ओके, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट में आता है. अब यहाँ पे कौन कौन सी बोन्स आती है, पहले अगर हम देखें तो स्टॉप एस से हमारे पास आता है स्किफॉइड. नंबर 1 पे हमारे पास आता है स्किफॉइड. स्किफॉइड जो है ये हमारे पास आ गया जो कि डिस्टल पे है. और फिर हमारे पास आता है ल्यूनेट, जो कि हमारे पास आता है स्टॉप लैटिंग, लैटिंग मीन्स ल्यूनेट. एंड दोज हमारे पास आ गया ट्राई इक्विट्रियम. और हमारे पास आता है पीपल, स्टॉप लैटिंग दोज पीपल, पीपल से हमारे पास आ गया पीसी फॉर्म. पीसी फॉर्म जो है हमारे पास शॉर्टेस्ट बोन है, कार्पल बोन्स की सबसे शॉर्टेस्ट बोन जो होती है वो हमारे पास पीसी फॉर्म होती है. फिर हमारे पास आता है हु टच द कैडवर्स हैंड. तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया, एक बात आपको याद है, अगर अगर ऐसा हो सकता है ऑस्पी और ऑस्की में आपको वृष का वो पार्ट दिया और स्केलेटन का और बताया गया कि इसमें ये बोन्स कौन कौन सी है. तो इसका एक तरीका ये है कि अगर हम देखें तो हमारे पास आता है थंब. थंब के नीचे हम बिल्कुल देखें तो हमारे पास आता है ट्रेपेजियम. ये आपने याद रखा कि थंब के नीचे वाली जो बिल्कुल बोन है वो ट्रेपेजियम है, जो कि हम वहाँ पे उसका वो जॉइंट में भी पढ़ते हैं. फिर हमारे पास आता है यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल थंब के दूसरे वाली जो हमारे पास फिंगर है साइड पे, उसके पे हमारे पास आता है ट्रेपेजॉइड. उसकी दूसरी बोन का नाम है ट्रेपेजॉइड. फिर हमारे पास जो उसके ये हमारे पास ट्रेपेजॉइड हो गई, ट्रेपेजियम हो गई, बिल्कुल थंब के नीचे है वो ट्रेपेजियम है, उसके साथ वाली ट्रेपेजॉइड है. फिर उसके साथ वाली जो है वो कैपिटेट है. कैपिटेट जो है हमारे पास सबसे लार्जेस्ट बोन आती है इसमें. ओके, और फिर हमारे पास आता है कैपिटेट के बिल्कुल साथ वाली हमारे पास हेमेड होती है. हेमेड जो है ये हमारे पास
हमारी जो बिल्कुल सबसे जो छोटी फिंगर है उसके नीचे जो है वो हमारे पास हेमेट आती है, तो इस तरह आपको याद हो सकते हैं। और हमारे पास आते हैं ये ट्राई इक्विट्रियम और पीसी फॉर्म, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होती है। पीसी फॉर्म बहुत शॉर्ट बोन होती है, तो ये ट्राई इक्विट्रियम के ऊपर आई होती है। ट्राई इक्विट्रियम जो होती है इसके थ्री वो एंगल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। और हमारे पास ये ल्यूनेट हो गई, और साथ में इसके सिकिफाइड जो है ये हमारे पास आगे के थंब की नीचे जो हमारे पास आ रही थी ट्रेपीजियम और ट्रेपीजॉइड, उसके नीचे वाली हमारे पास सिकिफाइड होती है। और फिर उसके साथ वाली ल्यूनेट यानी कि डिस्टल पोर्शन में हमारे पास जो मेन हमारे पास नीचे आती है वो सिकिफाइड और ल्यूनेट आती है, और छोटी उंगली के जो नीचे बिल्कुल है वो हमारे पास ट्राई इक्विट्रियम और पीसी फॉर्म है। फिर हमारे पास आते हैं मेटा कार्पल बोन्स जो होते हैं, इसके हमारे पास एक बोन की थ्री पार्ट्स होते हैं, बेस होता है, बॉडी होती है और हेड होते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर मेटा कार्पल जो होते हैं उसका हेड रीजन कौन सा है, बेस कौन सा है और बॉडी कौन सी है। हमारे पास कार्पल्स हो गए, मेटा कार्पल्स हो गए। फिर हमारे पास आते हैं फ्लैंजेस जो होते हैं, 14 फ्लैंजेस होते हैं हमारे पास टोटल दोनों लिम्ब्स में। हमारे पास आता है प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस, एक होती है ट्रंक के करीब होती हैं। इंटरमीडिएट फ्लैंजेस होती हैं जो कि दरमियानी, और डिस्टल फ्लैंजेस जो कि ट्रंक से सबसे फार अवे होती हैं। हमारे पास आता है कि हमारे हर एक फिंगर में थ्री थ्री बोन्स होती हैं सिवाय थंब के, जिसमें हमारे पास टू बोन्स होती हैं। सो टोटल करके 14 बन जाते हैं। अब हमारे पास आते हैं फीमर बोन्स। फीमर बोन जो है इसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें बस ये कहता है कि हमारे पास हेड ऑफ फीमर जो है ये मतलब किसके साथ जॉइंट बनाता है, आर्टिकुलेशन बनाता है। तो हमारे पास आ गया एसेटेबुलम जो होता है हमारे पास पैरवेगेटर का, उसके साथ फीमर बोन जो है वो जॉइंट बनाता है। और हमारे पास आता है कि फिर इसमें अगर ट्रोकेंटर की बात आती है, ट्रोकेंटर जो होते हैं हमारे पास वो पॉइंट होता है अटैचमेंट के लिए, यहाँ पे अटैचमेंट होती है टेंडन्स की और मसल्स होते हैं बटक्स और थाई की, जो मसल्स होते हैं उनकी अटैचमेंट होती हैं। ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, लेसर ट्रोकेंटर होता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है इसकी जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास नेक रीजन से हुई होती है, और हमारे पास आता है लेसर ट्रोकेंटर जो है इसकी प्रोजेक्शन हमारे पास शेफ्ट से हुई होती है, बोन की शेफ्ट से हुई होती है। फिर हमारे पास बॉडी ऑफ फीमर आता है, मीडियल इपिकॉन्डाइल आता है, लैटरल इपिकॉन्डाइल आता है और पैटिल ग्रूव्स आते हैं। ये हमारे पास आता है कि इसमें ये हमारे पास जो है बिल्कुल सही व्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर का और लेसर ट्रोकेंटर का। दीज आर द ट्रोकेंडर्स एंड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ टेंडन इन मसल्स। और यहाँ पे हमारे पास आता है ये रहा लैटरल इपिकॉन्डाइल होता है और मीडियल मीडियल कॉन्डाइल है यहाँ पे हमारे पास, ये रहा ये मीडियल कॉन्डाइल हो गया, लैटरल कॉन्डाइल हो गया, इंटर कॉन्डाइलर फोसा हो गया। और हमारे पास आता है कि इंटर कॉन्डाइलर फोसा हो गया जहाँ पे हमारे पास टिबिया की अटैचमेंट होगी, ये हमारे पास पैटिलर सरफेस है और मीडियल ग्रूव्स आ गए। और ये हमारे पास जो मेन इसके पार्ट्स थे लैटरल कॉन्डाइल मीडियल कॉन्डाइल, इन दोनों के दरमियान जो है हमारे पास इंटर कॉन्डाइलर फोसा होता है। पास आता है कि ये हमारे पास जो जॉइंट बनता है यहाँ पे हमारे पास पैटिला बोन आती है, पैटिला जो इसे हम नी कैप भी कहते हैं, यहाँ पे नी जॉइंट बनता है हमारे पास। लेकिन पैटिला जो है ये वो बोन है जो कि किसी के साथ आर्टिकुलेशन नहीं बनाती, बल्कि ये हमारे पास मसल्स के अंदर होती है, मसल्स के साथ अटैच होती है और जॉइंट बनाने में हेल्प करती है। ये फीमर हो गई। और फिर हमारे पास आता है कि ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फीमर जो है वो सिर्फ जॉइंट बनाता है टिबिया के साथ, नॉट विथ फेबुला, फेबुला के साथ ही बनाता है, टिबिया के साथ बनाता है। और ये हमारे पास आता है कि टिबिया जो है और फेबुला हमारे पास हम कैसे डिफ्रिशिएट कर सकते हैं बोन में कि टिबिया कौन सी और फेबुला हमारे पाँव में। तो अगर हम देखें तो हमारे जो थंब के साथ जो बोन होती है, थंब के ऊपर जो बोन आई होती है यानी कि हमारे बॉडी के राइट लेफ्ट साइड पे जो हमारी बोन आती है तो वो हमारे पास है, यानी कि अगर हम राइट वाला पाँव लें और इसके लेफ्ट साइड पे जो थंब साइड पे बोन आती है उसे हम टिबिया कहते हैं, और जो हमारे पास बाहर की तरफ होती है उसे हम फेबुला कहते हैं। और इसी तरह जो हम पॉइंट बताना मैं भूल गई कि हमारे पास आता है कि रेडियस और अल्ना में हम कैसे डिफ्रिशिएट करते हैं कि रेडियस जो है वो हमारे पास थंब साइड वाली जो बोन होती है वो रेडियस होती है और जो बाहर की तरफ होती है वो अल्ना होती है।
फिर हमारे पास आता है जो हमारे पास टार्सल बोन्स होती हैं। टार्सल बोन्स में हमारे पास 7 होती हैं, एक कम होती है हमारे पास कार्पल से। इसमें हम जो निमोनिक यूज़ करते हैं वो है टाइगर कब्स नीड मिल्क। ओके, मिल्क तो हमारे पास आ गया, टाइगर कब्स नीड मिल्क। तो हमारे पास आता है टाइगर कब्स, अगर हम इसे देखें तो टाइगर से हमारे पास टैलस आता है, टैलस। और फिर हमारे पास आता है कब्स से सी का वो हो गया कैल्केनियस। कैल्केनियस जो है ये हमारे पास जो हील बनाती है इज़ द लार्जेस्ट बोन होती है ऑफ द टार्सल्स। ये हमारे पास हील बनाता है और ये हमारे पास लार्जेस्ट बोन है टार्सल्स की। फिर हमारे पास आता है नीड से नेविक्यूलर आ गया, ये बोट और सेल की तरह होती है जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारे पास नेविक्यूलर आ गई। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आता है माइल। माइल से हमारे पास आता है कि हमारे पास टार्सल में 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं, एक मीडियल क्यूनिफॉर्म होती है, एक इंटरमीडिएट होती है, एक लैटरल होती है। मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट और क्यूनिफॉर्म, ये हमारे पास तीनों एक साथ होती हैं। ये हमारे पास आ गई, ये मीडियल है। ओके, और ये हमारे पास इंटरमीडिएट आ गई और ये हमारे पास लैटरल आ गई। फिर एक जो बोन है क्यूबॉइड जो कि क्यूब शेप में है, इसमें हमारे पास आता है कि लार्जेस्ट बोन तो कैल्केनियस हो गई। शॉर्टेस्ट बोन जो होती है वो हमारे पास इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म आती है। इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म जो कि हमारे पास नेविक्यूलर के साथ अटैच होती है, उसके साथ आर्टिकुलेट करती है, ये हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट होती है इसमें। ओके, सो फिर इसी तरह हमारे जो हमने वृष्म बढ़ के फिर फिलेंजेस आते हैं और मेटाटार्सल्स आएंगे, तो वो बिल्कुल सेम उसी की तरह है नंबरिंग वगैरह। सो दीज आर द बोन्स जो कि हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन्स पढ़ी। होप्स आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।